कोतवाली पुलिस की नशे के खिलाफ दो बड़ी कार्रवाई, 8 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को पकड़ा। गांजे की खेप ले जा रहा था ऑटो चालक भी गिरफ्तार। शिवपुरी शहर की कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने दो अलग अलग आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से गांजे और स्मैक की खेप को बरामद किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। 8 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। कोतवाली प्रभारी रवि दुबे ने बताया कि कोतवाली पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना पर से SI दीपक पालिया और अन्य स्टाफ को भेजकर AB रोड तिराहा ग्रांड व्यू होटल के पास बड़ौदी भेजकर एक संदिग्ध को पकड़ा था। चेकिंग के दौरान आरोपी के पास से पुलिस ने 8 ग्राम स्मैक जब्त की थी। स्मैक की कीमत तो 1,80,000 रुपये आंकी गई है। आरोपी ने अपना नाम नरेश राठौर, पुत्र बारे लाल राठौर, 38 वर्ष बताया था। आरोपी शहर के कमलागंज क्षेत्र के मामूपाल वाले की गली महज पापी के मकान के पास निवास करता है। 5 किलो 300 ग्राम गांजे के साथ आरोपी गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस को शुक्रवार की रात मुखबिर की सूचना से पर से रातौर रेलवे अंडर ब्रिज के पास एक ऑटो चालक के पास से 5 किलो 300 गांजे बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम आकाश थानुक, पुत्र प्रकाश थानुक, 23 वर्ष बताया। आरोपी फिजिकल थाना क्षेत्र के दौलत सिंह के होटल के पीछे रहता है। पुलिस ने 50,000 रुपये की कीमत का गांजा और 1,00,000 रुपये कीमत की ऑटो को जब्त किया। दोनों ही मामलों में कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मामला क्या आपने कल कोतवाली पुलिस ने मुखबिर सूचना पर दो जगह से मादक पदार्थों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। एक रातौर रेलवे अंडर ब्रिज है, वहां से पुलिस ने एक ऑटो और एक व्यक्ति को 5 किलो 300 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा है। इसमें NDPS एक्ट की धारा 8/20 के तहत कार्रवाई की गई है, एवं एक कार्रवाई ये अपना बड़ौदी के पास जो ग्रीन व्यू होटल है उस तराहे के पास में एक व्यक्ति को 18 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया है। इसके तो 8/31 NDPS कार्रवाई की गई। कितने रुपए का माल जब्त किया गया दोनों ऑटो? स्मैक तकरीबन 1,80,000 की है, एवं गांजे की कीमत विथ ऑटो 1,50,000।